हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडियन आइडल सोनाडा 3D के ऊपर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारी न्यू सेटिंग तुम्हारी गेम प्ले में और ऐड हो चुकी है। मतलब कि तुम्हारी हार्वेस्टर तो देखो ऐड हो गई, बट तुम्हारी जो खेत में फसल उग रही है वो फसल कैसे उगानी है, क्योंकि तुम्हारे देखो सीडर तो ऐड नहीं हुआ है। फसल कैसे खेत में ऐड करनी है, कैसे उगानी है, कहाँ से सेटिंग करनी है इससे फसल की। और इसके अलावा एक चीज़ और, तुम्हारी जो जी वैगन G63 है उसके ओरिजिनल व्हील कैसे लेने हैं, तुम्हारी जो IS 247 ट्रैक्टर उसका रियल साउंड कैसे ऐड करना है, और उसके अलावा तुम्हारी जो RX100 बाइक जो ऐड हुई है उसकी न्यू मॉडिफिकेशन कैसे अप्लाई करनी है, जो न्यू एलॉय व्हील ऐड हुए हैं वो कैसे लेके आने, और तुम्हारा फाइनल भाई अपडेट कब आने वाला है तुम्हारी गेम प्ले का, और दो नई चीज़ कौन सी होने वाली है जो न्यू अपडेट में आने वाली है। तो आज इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो गाइस लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस मतलब जैसे मैंने अपने गेम प्ले में हार्वेस्टर तो ले लिया है, बट भाई खेत में फसल कैसे उगानी है, तो सिंपल सा आपसे कौन कौन सी सेटिंग करनी है, कहाँ से करनी है, और ये फसल मतलब सभी तरह की फसल कैसे लेनी है, तो कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएंगे। और देखो फार्मिंग लिख रहा होगा, फार्मिंग जैसे मतलब कि मॉडिफिकेशन के साइड में फार्मिंग लिख रहा होगा, और फार्मिंग में जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आना, तो हमें डेंसिटी को ना फुल कर देना, जैसे मैंने अभी कम होगी बट फुल कर देना। उसके बाद जो तुम देखो कॉटन लेना चाहो कॉटन ले सकते हो, शुगर केन लेना चाहो तो शुगर केन ले सकते हो, चाहे तुम्हारे धान कोई भी फसल हो, चाहे बाजरा की, चाहे गन्ना की, चाहे तुम्हारी मक्का की फसल हो, कैसा भी फसल हो, हम तुम्हारे खेत में यहाँ से बह सकते हैं। और उसके बाद में जैसे शुगर केन की फसल ले लो, तो आपको जो जो हार्वेस्टर कटर है ना वो दूसरा चेंज करना है, दूसरे वाला हार्वेस्टर कटर लेना है। जैसे हार्वेस्टर कटर को अनटिक कर देना है इस वाले को, और तुम्हारा जो मतलब मक्का बाजरा काटते हैं ना वो वाला कटर लेना है, जो मैंने अभी फिलहाल में जो ले रखा है ये वाला कटर आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद हमको फसल काट के देखनी है कि हमारी तुम्हारी कंबाइंड है जो कि वो फसल काट रही है या नहीं। जैसे हमारी तुम्हारी गन्ना की शुगर कैन की फसल ले ली है मैंने जैसे गेम प्ले में अपने में, उसी तरीके से आप सभी को अपने गेम प्ले में कोई सी भी फसल सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद फसल काट के देखनी है। और तुम एक चीज़ और देख रहे होगे कि जैसे कि FS20 में क्या होता है, FS20, FS29, FS19 है, FS18 है, उस गेम में क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे गेम प्ले हमारी जब हार्वेस्टर चलती है ना, तो जैसे ही हम तुम्हारा कटर ऑन कर देते हैं तो कटर में क्या होता है तुम्हारी कंबाइंड ऑटोमेटिकली लोड लेने लग जाती है। मतलब कि उस स्पीड 10 या 15 या 20 25 तक हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। बट इसमें क्या हो रहा है, वो मतलब कंबाइंड भाई बिल्कुल लोड नहीं ले रही है, तो वो लोड कैसे अप्लाई करना है वो भी सेटिंग बताने वाला हूँ, कैसे कैसे अप्लाई करनी है वो सेटिंग। तो सिंपल सा कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएंगे एंड कॉन्फिग फाइल में जाना, वहाँ तुम्हारे जो टॉर्क है ना उसको 100 कर लेना, टॉर्क को 100 कर लेना, और जो मैक्सिमम स्पीड 140 लिखी होगी उसको 25 कर लेना। 25 करने के बाद रिपेयर पे करके एंड तुम सेव पे क्लिक कर देना, और सेव पे क्लिक करने के बाद फिर ड्राइव पे क्लिक कर देना। ड्राइव पे जैसे तुम क्लिक करोगे और RWD जरूर सेलेक्ट कर लेना, AWD में चलाना, RWD सेलेक्ट कर लेना, जिससे क्या है कि तुम्हारी कंबाइंडर लोड नहीं लग जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर तुम उसके बाद तुम रेस देना, एक्सीलेटर मतलब देना उसका कंबाइंड का, तुम्हारी कंबाइंड जो है ना भाई लिटरली बता रहा हूँ बिल्कुल जो FS20 में, FS18 में, FS19 में, FS20 में जो लोड लेती है उसी तरीके से तुम्हारी कंबाइंड भी लोड लेने लग जाएगी। और उसके बाद तुम खेत काट रहे हो जैसे प्रॉपर लोड लेते हैं ना उस तरीके से तुम्हारा लोड लेगी। एंड और एक नई चीज़ और ऐड नहीं हुई है तुम्हारी, जैसे हम ठेली में गेहूं खिलाते हैं, टंकी में गेहूं भरते हैं तुम्हारी कंबाइंड में, वो वाला अपडेट नेक्स्ट अपडेट में आने वाला, इस बार का अपडेट हम बहुत जल्दी देने वाले। और भाई अपडेट कब आने वाला है वो भी बताऊंगा। और नेक्स्ट मतलब कि तुम्हारे कौन कौन से, जैसे अब तुम्हारा एक नया कटर और कल्टीवेटर ऐड हुआ है जो कि खेत में मट्टी पलटता है, वो कल्टीवेटर कैसे लेना है, तो जैसे कि तुम्हारा न्यू जोड़ा ट्रैक्टर ऐड हुआ है उसी को हम स्पेम कर लेते हैं। जैसे ऑप्शंस में जाके जहाँ से हम ट्रैक्टर स्पेम करते हैं ना, वहाँ से जोटा नाम का व्हीकल मिल जाएगा जो कि सिद्धू मूसेवाला का ट्रैक्टर था, जोटा प्रीत, वो ट्रैक्टर हमने ऐड कर दिया। एंड उस पर आप सभी को जो कल्टीवेटर था ओल्ड कल्टीवेटर रिमूव करके न्यू कल्टीवेटर ऐड कर दिया है, तीन तान वाला, वो कैसे लेना है सिंपल सा कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएंगे, मॉडिफिकेशन पर ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ जाके तो मैं ना फिर कल्टीवेटर पर सेलेक्ट कर लेना। कल्टीवेटर पर जैसे हम पिछली बार ओल्ड मतलब ओल्ड मॉडल में क्या था, ओल्ड जो अपडेट आया था पुराना जो अपडेट है उसमें क्या था कि हम जब कल्टीवेटर सेलेक्ट करते थे ना तो तुम्हारा पिछले वाला कल्टीवेटर ओल्ड कल्टीवेटर आता था, बट वो कल्टीवेटर नहीं आ रहा, उसकी जगह हमने तीन तान वाला मतलब मट्टी पलटा ऐड कर दिया है। तो अब आप सभी सोच रहे होगे कि मतलब कि तुम्हारा पिछले वाला कल्टीवेटर क्यों रिमूव कर दिया था, देखो वो भी आएगा, मतलब कल्टीवेटर 1 और कल्टीवेटर 2 के नाम से सेव होंगे, इसमें मतलब ये कल्टीवेटर 1 के नाम से होगा और वो कल्टीवेटर 2 के नाम से स्पेम होगा, ठीक है। एंड और जाके तुम ना इस ट्रैक्टर को भी लोड लेना चाहते हो तो कॉन्फिग फाइल में भी जैसे मैंने अभी सेटिंग बताई थी तुम्हारी कमांड पे लगाने वाली जो कॉन्फिग फाइल थी स्पीड लोड लेने वाली, वही सेम मतलब प्रोसेस इस पर अप्लाई कर लेना। इसकी बस मैक्स स्पीड तुम 50 कर लेना और जो टॉर्क है उसको 200 कर लेना, और उसके बाद तुम ट्रैक्टर को चलाना, इसकी भी मतलब फुल लोड लेगा,
जैसे हम तुम्हारा छोटा बेटा चलाएं, चाहे तुम्हारा दो कल्टीवेटर चलाएं, चाहे तुम्हारा जो तीन ताल वाला मट्टी पलटा चलाएं, इस पर भी फुल लोड लेने वाला तुम्हारा ये वाला भी ट्रैक्टर भी। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप सभी को ये छोटा ट्रैक्टर हार्वेस्टर कंबाइन मतलब सभी चीज़ें कैसी लगी अब तक की जो अपडेट में है। और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अपडेट कब आने वाला है तुम्हारे गेम प्ले का, वो भी 5 या 6 दिसंबर को आप सभी को फाइनल अपडेट देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे प्ले स्टोर पर तैयार रहना, आप सभी रेडी रहना गेम प्ले को अपडेट के लिए एंड और खेलने के लिए। और खेलने से पहले जब तुम्हारे पास अपडेट आ जाए ना तो ये सेटिंग सभी अप्लाई करके देखना और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना 5 दिसंबर के बाद आप सभी को ये वाली मॉडिफिकेशन जो मैंने बताई अभी तक वो सेम मॉडिफिकेशन आप सभी को कैसी लगी। एक बार अप्लाई करके जरूर देखना सभी व्हीकल पर जो जो मैं अभी फिलहाल में अभी और मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ जो कि अभी आप सभी को सभी मॉडिफिकेशन अप्लाई करके देखनी है। भाई लिटरली बता रहा हूँ ये सेम मॉडिफिकेशन सभी चीज़ों पर अप्लाई कर लेना और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना आप सभी को कैसे लगी। और अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारी आयसर 241 ट्रैक्टर की रियल वॉइस भाई कैसे ऐड करने हैं और इस पर हम मतलब क्या चला सकते हैं। आयसर 241 ट्रैक्टर ना इसीलिए ऐड किया जो तुम्हारा थ्रेसर है ना जो मतलब ओल्ड मतलब जैसे गांव में रियल फार्मिंग होती है उसमें जो मतलब ओल्ड थ्रेसर था वो ही हमने थ्रेसर ऐड कर दिया। बट हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करने वाले हैं जैसे कि लाइक इसमें जो तुम्हारी जो कंबाइन जैसे ओरिजिनल चल रही है उसी तरीके से तुम्हारा थ्रेसर भी भाई चले वो भी किसके थ्रू जैसे रोटावेटर चलाना तुम्हारे उसी प्रकार से तुम्हारा मतलब ये भी थ्रेसर चले लाइक उसी तरीके से इसमें भी हम मॉडिफिकेशन ऐड करने वाले हैं। और इसीलिए हमने आयसर 241 ट्रैक्टर भी ऐड किया है तुम्हारी गेम प्ले में। और अब हम बात करने वाले हैं कि तुम्हारी जी वैगन G63 पर जो न्यू मॉडिफिकेशन है मतलब कि जो तुम्हारे ओरिजिनल एलॉय व्हील है कैसे लेने तो हम जी वैगन G63 ऑप्शन में जाके स्पेम कर लेंगे। और जैसे ही स्पेम कर लेते तो आप सभी ने देखी होगी जो ओरिजिनल व्हील है भाई जो रियल में लगती है वो मॉडिफिकेशन नहीं लगती। तो सिंपल से आप सभी को क्या क्या करना है मतलब कि मॉडिफिकेशन कैसे कैसे अप्लाई करनी है तो सिंपल से आप सभी को कस्टमाइज पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम कस्टमाइज पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने व्हील्स आएगा, व्हील्स पर क्लिक करना, व्हील्स में जाओगे ना तो आप सभी को जो ऊपर की दो लाइन व्हील्स वाली हैं उनसे मत छेड़ना, जो नीचे हम ट्रैक्टर के जो अगले वाले एलॉय व्हील रियल मतलब फ्रंट टायर बोलते हैं ना वो वाले एलॉय व्हील लेना भाई लिटरली। और उसके बाद तुम ऊपर की जो मतलब कि उसका जो सस्पेंस बढ़ाते हैं ना उनको 3-3 कर लेना और उसके बाद तुम मतलब कि जी वैगन G63 की मॉडिफिकेशन चेक आउट करना। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भाई मतलब जो रियल में मतलब जी वैगन G63 मतलब एलॉय व्हील मान के चलो नहीं है वो ओरिजिनल वाले पर तुम सभी को भाई रियल वाली फील आने वाली है। जो तुम्हारी जी वैगन G63 के ओरिजिनल व्हील तो नहीं ऐड की है ना वो मिलने वाले क्योंकि वो कॉपीराइटेड एलॉय व्हील है इसीलिए हम अपने गेम प्ले में नहीं ऐड कर सकते। मान के चलो आज हम उनको अब खरीद भी लें ठीक है ले भी लें मान के चलो इन फ्यूचर 2-3 महीने बाद भाई कॉपीराइट दे दे जिसने वो कस्टमाइज़ किया एलॉय व्हील अगर उसने कॉपीराइट दे दे तो भाई पूरा गेम खत्म हो जाएगा इसीलिए हम उन्हें एलॉय व्हील को ऐड नहीं कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारी रेंज रोवर भाई रेंज रोवर में तुम्हारी देखो ओरिजिनल व्हील भी मिल जाएंगे बट उसकी रियल वॉइस नहीं मिलेगी। रियल वॉइस है ना जो हम सोच रहे हैं वो नेक्स्ट है मतलब कि अलग से एक वॉइस का अपडेट निकालेंगे रियल साउंड वाला ठीक है तभी देने वाले हैं उन सभी का व्हील का भी अपडेट। एंड एक चीज़ और इसकी भी कस्टमाइजेशन में जाओगे तो भाई देखो तुम्हें इसका जो भीतर का जो इंटीरियर है ना जो ओरिजिनल गियर होते हैं ओरिजिनल सभी चीज़ ओरिजिनल मिलने वाली देखो भीतर का इंटीरियर भी मिलने वाला क्योंकि ये जो रेंज रोवर है ना वो हमने खुद कस्टमाइज किया है ना वो किसी गेम डेवलपर से लिया है और ना ही किसी कस्टमाइजर से लिया है ओनली हमने कस्टमाइज किया हमने बनाया उसके बाद इसको ऐड किया है मतलब कि वेलार में भी ऐड कर सकते हैं वॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब XUV भी बना सकते हैं। XUV कैसे बनानी है तो कस्टमाइज में जाएंगे व्हील्स में जाएंगे एंड वहां जाके तुम 26 इंची एलॉय व्हील डाल देना एंड उसके बाद तुम इसका जो लुक एंड मॉडिफिकेशन है फिर तुम चेक आउट करना फिर कमेंट करके बताना आप सभी को रेंज रोवर वेलार एंड इवोक कैसी लगी। भाई इवोक में भी इवोक क्या है कि XUV है वेलार क्या है तुम्हारी मतलब कि क्लासिक है थोड़ी सी वैसी कार है ठीक है इसीलिए हमने इवोक में XUV भी ऐड कर दिया। यहाँ से 3-3 सस्पेंस कर लेना 3-3-3 कर लेना 3 से ना सेटिस्फाई हो तो 4-4 कर लेना उसके बाद जो मतलब कि रेंज रोवर मतलब कि तुम्हारी जी वैगन और तुम्हारी फॉर्चुनर की हाइट है ना उस हाइट पर तुम्हारी जी मतलब रेंज रोवर भी पहुंच जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं भाई फाइनल अपडेट की मतलब कि तुम्हारे गेम प्ले में जो तुम्हारी यमहा की RX100 बाइक जो ऐड हुई है उसको कैसी मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी है। भाई एक चीज़ और अप्लाई करनी है तुम्हारी कार पर जो तो तुम जब कार चलाओ ना
क्योंकि तुम्हारी कार ना बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कस्टमाइज में जाके कॉन्फ़िग फाइल में जाके ना तुम्हें, मतलब जैसे अभी मैंने फिलहाल में पीछे की थी वीडियो में, वो सेम मॉडिफिकेशन अप्लाई और कॉन्फ़िग फाइल में स्पीड टॉर्क है, तुम्हारी जो मैक्स स्पीड है 50 या 60 रखनी है, और उसके बाद तुम अप्लाई करके देखना भाई क्या मॉडिफिकेशन, और फिर तुम्हारी कार ना वो ज़्यादा नहीं भागेगी। और हम तुम्हारी RX100 बाइक को स्पेम कर लेते हैं, जैसे स्पेम करेंगे तो हमें सिंपल सा जैसे मॉडिफिकेशन में जाएंगे कस्टमाइज में जाके, वहाँ जाके तुम्हें बाइक्स मॉडिफिकेशन में जाना, एंड उसके बाद तुम देखो फोर, तो मतलब अभी मैं जो अपनी मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ वो सेम मॉडिफिकेशन अप्लाई कर लेना, तो मतलब जो चार हॉर्न है उनको अप्लाई कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पिछले मडगार्टर अगला मडगार्टर उसको रिमूव कर देना, और जो अगली वाली लाइट है ना वो तुम्हें सेकेंड वाली हेडलाइट 2 लेनी है, एंड उसके बाद मतलब कि जो पिछली लाइट है उसको भी रिमूव कर देना, एंड जो टायर्स लाइट है ना उसको तो भाई लगाना ही नहीं है, और जो अब अलॉय व्हील ऐड हुए हैं वो तुम्हें मतलब कि थर्ड या थर्ड नंबर वाले तुम्हें अलॉय व्हील सेलेक्ट कर लेने हैं, मतलब कि अलॉय व्हील भी इस पे मतलब तंगड़े लग रहे हैं। और इसकी मॉडिफिकेशन ना आप सभी को क्या करना है ना, तो ब्लैक करना है, मतलब कि ग्रे कलर होता है ग्रे कलर से नेवी ब्लू कलर कर लेना है, नेवी ब्लू कलर में जो तुम्हारी मॉडिफिकेशन होती है भाई RX100 बाइक की भाई नेक्स्ट लेवल लगती है, एक बार जरूर करके देखना नेवी ब्लू कलर इस पे मतलब अप्लाई करके देखना, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप सभी को अब तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप सभी को कैसे लेके, और कमेंट जरूर करके बता देना, एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।